नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज है। जयंत चौधरी बोले फिलहाल दोगलापन बर्दाश्त नहीं करेंगे सरकार का, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीएम केसीआर का मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब, बोले देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पास इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दो, उद्धव ठाकरे पर उद्धव ठाकरे निकाली जो है यहां पर एकनाथ शिंदे पर भड़ास, बोले फिलहाल संविधान के खिलाफ है ये सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट हर बार करता है। जी हां, दरअसल शिंदे गुट के 16 विधायकों को बर्खास्त करने के लिए जो है यहां पर अभी स्पीकर पर रोक लगा दी है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना कानून निष्पक्ष। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जे जो है यहां पर असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी देश में नफरत फैलाती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी गोवा के विधायकों को तोड़ने में लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फिलहाल 40 करोड़ का ऑफर दिया गया है गोवा के सारे विधायक। दरअसल दोस्तों ये सारी तैयारी 2024 के चुनाव के लिए हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोनिया गांधी आई एक्शन के मूड में, गोवा में अपनी पार्टी को बचाने के लिए सोनिया गांधी ने फूंकी जान, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें श्रीलंका में दोस्तों हालात बद से बदतर, पीएम का घर फूंका, राष्ट्रपति को भी दौड़ा दौड़ा कर भगाया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, श्रीलंका के लोग निकले ईमानदार, सारा का सारा धन पुलिस के हवाले कर दिया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून के चलते किसान नेता राकेश टिकैत फिर से उतरेंगे एक बार सड़कों पर, सरकार को लगेगा बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्ज है केसीआर, बोले देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपको बता दोस्तों सीएम केसीआर ने मोदी सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री एक कमजोर इंसान है जो सरकारें गिराकर अपनी सरकारें बनाता है, इसको डर लगता है इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं सत्ता हाथ से चली न जाए। आपको बता दें सीएम केसीआर ने कहा कि मैंने इससे बड़ा जुमलेबाज प्रधानमंत्री कहीं पर नहीं देखा, जिस तरीके की चीजें प्रधानमंत्री करते हैं वो समझ में नहीं आती है। आपको बता दें सीएम केसीआर ने कहा आज जगह जगह सरकार गिराकर सरकार बनाई जा रही है, देश में जो यहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आपको बता दो तो देश में जो सीएम केसीआर ने कहा कि देश में आपातकाल चल रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने ताकतवर नेता थी जिन्होंने इमरजेंसी के हालात में इमरजेंसी हालात थे, लेकिन यहां पर इन्होंने तो जो है आपातकाल घोषित कर रखा है शुरुआत से ही। आपको बता दें सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब भी कभी इतिहास में इस देश के पीएमओ का जिक्र किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी उस लिस्ट में सबसे पीछे होंगे। आपको बता दें के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए लिस्ट में सबसे पीछे होंगे क्योंकि आज जो देश के हालात है वो दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण दोस्तों देश बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हो चुका है। आज जो सरकार दोस्तों हमारे सर पर बैठकर नाच रही है वो हमें भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का कार्यकाल कर रही है। ऐसी सरकार है दोस्तों जो देश में लगातार आप समझिए हिंसा का माहौल बनाती है, जो देश में नफरत को सबसे आगे रखती है, भाईचारे को पीछे रखती है ऐसी सरकार से, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घमंडी और अकड़ू प्रधानमंत्री है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद जो यहां पर सतपाल मलिक ने कहा था जो कि खुद इनके दोस्तों आप समझिए गवर्नर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सीधा बताए कि आखिरकार ये जो युवाओं के लिए नई योजना लाई गई है इसके चलते सरकार सीधा सीधा जवाब दे कि वो 4 साल के लिए सिर्फ 15% लोगों को ही क्यों नहीं ले रही, 4 साल का नाटक क्यों कर रही है सरकार। आपको बता दोस्तों अग्निपथ जो योजना लाई गई है उसको लेकर अब जयंत चौधरी ने बीजेपी को घेर लिया। जयंत चौधरी का कहना है कि बीजेपी का
वालापन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जयंत चौधरी ने बताया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश में जो यहाँ पर एक तरीके से बेरोजगारी को और बढ़ा दे। पहले ही दोस्तों बेरोजगारी का रिजल्ट काफी ज्यादा खराब है और ये हमने आपको पहले भी बताया था। आपको बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम 15% ही लोगों को जो यहाँ पर हम उसके लिए रखेंगे नौकरी के लिए, बाकी सबको 4 साल में निकाल देंगे। लेकिन आपको बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो भले ही आप 75% को मत चुनिए, आप 15% को चुनिए, लेकिन कम से कम उनको जो है यहाँ पर परमानेंट चुनिए, 4 साल के लिए नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जनता का ही फायदा होगा, अगर आप इतने लोगों को नौकरी नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए, लेकिन कम से कम जनता को धोखा मत दीजिए कि 4 साल तक नौकरी होगी, उसके बाद 75% में से 25% या 15% लोगों को ही जो यहाँ पर रेगुलर जॉब में रखा जाएगा, बाकी सबको 4 साल में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो देश में जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार महंगाई दोस्तों आप समझिए आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। सरकार इस मामले पर सबसे पीछे है। ऐसी सरकार दोस्तों जो देश में लगातार एक ऐसा माहौल बनाए हुए है जिससे कि देश की पूरी तरीके की जो प्रक्रिया है वो रुक सी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आज जो देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस देश की सरकार पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, उस देश में आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि हम देश का विकास करेंगे, देश से महंगाई गायब कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इन सब चीजों में से एक भी चीज नहीं हुई। और इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि सिर्फ प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो फिर क्या है। ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। मोहम्मद जुबैर को दोस्तों कब से जेल के अंदर भेजा गया है आप समझिए। एक पोंगा पंडित जिसको कह सकते हैं दोस्तों महंत मुनि, वो आराम से महिलाओं के बारे में भद्र टिप्पणी करता है, रेप की बात करता है और उसे 8 दिन में छोड़ दिया जाता है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जो सच्चाई को सामने लाते हैं दोस्तों, उनकी कहीं ना कहीं बेल नहीं मिलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दो, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले अब हमारे गोवा खुद की सरकार मजबूत करने के लिए गोवा के विधायकों की खरीद फरोश कर रही है बीजेपी 44 करोड़ रुपए में। आपको बताता चलूं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अब गोवा के सारे प्रभारियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, गोवा में हमारी सरकार को कमजोर कर खुद की सरकार मजबूत करने की फिराक में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव आएंगे बहुत जल्द, हालांकि 2024 के चुनाव में दोस्तों अभी काफी वक्त है, उससे पहले 2023 आएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरी कोशिश कर रही है कि दरअसल वो 2024 से पहले ही दोस्तों जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दे। अब दोस्तों आप सोचेंगे इससे सरकार का क्या फायदा है। दोस्तों दो बातें, पहला तो ये दोस्तों कि सरकार के सामने कोई लड़ने के सक्षम होगा ही नहीं। अगर पीएम का चुनाव कोई लड़ेगा भी दोस्तों तो उसके पास उसकी पावर नहीं होगी। जाहिर सी बात है कांग्रेस की दोस्तों इस वक्त सिर्फ 2 जगह सरकार बची है, उनकी जगह 3 जगह सरकार थी, हालांकि और मिली जुली जगह भी है 2-1 जगह, लेकिन जो मेन सरकार बची कांग्रेस की दोस्तों 2 जगह है। एक तो आप जानते हैं भूपेश बघेल और दूसरा दोस्तों गहलोत, अशोक गहलोत। लेकिन दोस्तों अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि गोवा को कमजोर किया जा रहा है और जो यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने ये बताया है कि उनके खासी करीबी नेता को खरीदने की कोशिश की गई, वहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़वाए जा रहा है, उनको खूब मारा पीटा जा रहा है उनके विधायकों को, और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल हमारी पार्टी के साथ मिल जाओ, विधायकों को ले उड़ो। आपको बता दोस्तों भूपेश बघेल की सरकार को खत्म करने की साजिश की जा रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भूपेश बघेल जो है वो एक दिग्गज नेता है और बीजेपी छत्तीसगढ़ से सरकार को गिरा देना चाहती है। बीजेपी को ये डर है दोस्तों कि अगर 2024 में कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी का जीना मुहाल कर देगी। बीजेपी दोस्तों एक चीज अच्छे से जानती है कि फिलहाल सरकार किसी की भी चल रही हो, लेकिन 2024 का चुनाव इससे हटकर है। और दोस्तों क्योंकि जनता के पास अभी मेन मुद्दे हैं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, और जनता जाहिर सी बात है दोस्तों इन मुद्दों पर ही 2024 में वोट देगी। दरअसल दोस्तों इस सरकार का हारना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज पूरे देश में आपातकाल की स्थिति बन चुकी है।
है। आप समझिए, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उससे भी खतरनाक हालात बन गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों पूरे देश में एक नफरत का जहर घोल रखा है, जो अंधभक्त है उनको बढ़ावा दे रखा है। वो लोग कुछ भी किसी के भी धर्म के बारे में बोलते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। तीन चार चेहरे ऐसे हैं दोस्तों जिनके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी हाथ धोकर पड़ गए। पहला दोस्तों है ममता बनर्जी, दूसरा सीएम चंद्रशेखर राव, और दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का नाक में दम कर रखा है और इसीलिए दोस्तों केजरीवाल की सरकार गिराने के लिए बीजेपी छल बल और पैसे सबका यूज करती है, लेकिन तब भी वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाती, क्योंकि शायद दोस्तों बीजेपी को पता है कि वो हिंदुत्व की जो राजनीति कर रही है वो केजरीवाल पर लागू नहीं हो पाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राजस्थान में गंगा जमुना तहजीब की एक तस्वीर आई सामने। मुस्लिम भाइयों ने दोस्तों एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस देश में भाईचारा बड़ी चीज है, ना कि दोस्तों धर्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक हिंदू व्यक्ति की जो यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दोस्तों ईद ना मनाते हुए दोस्तों मुस्लिम भाइयों ने बाकायदा उस अर्थी को कांधा दिया। ना सिर्फ कांधा दिया राजस्थान में दोस्तों, बल्कि जो यहाँ पर हिंदू भाई की चिता को जो है अग्नि भी दी और दोस्तों राम नाम सत्य के नारे भी लगाए। अब आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि मुस्लिम भाइयों ने गंगा जमुना जो तहजीब है हमारे देश की, तो उस तहजीब को निभाया है। राजस्थान का ये वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई है वो हिंदू भाई की अर्थी को कांधा देते हुए नजर आ रहा है, राम नाम सत्य के नारे भी लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि उन्होंने अचिता को विधि दोस्तों आप समझिए, ईद का त्यौहार छोड़कर मुस्लिम भाइयों ने कांधा दिया और उसकी जो यहां पर अंतिम संस्कार किया। इसी को तो कहते हैं दोस्तों भाईचारा। बहुत सारे लोग दोस्तों, मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के बहकावे में आ चुके हैं, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं कोई भी नहीं आया तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं दोस्तों, मैंने खुद ने ऐसे लोगों को देखा है जो मोदी सरकार की हर हालत में तारीफ करते हैं। पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो उनके पास तर्क होता है कि कुछ कर मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। खास कर दोस्तों कट्टर हिंदुत्व जो मानते हैं उन लोगों को मैंने ज्यादा देखा है। आप देखिए कि वो मोदी की हर चीज को सही ठहराते हैं। मोदी सरकार अगर दोस्तों आप समझिए इनके घर का राशन पानी बंद कर दे तब भी मुझे लगा ये कहेंगे मोदी जी ने किया होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। इसी को तो कहते हैं दोस्तों अंधभक्ति। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे को कोर्ट से दोस्तों नहीं मिल रहा है न्याय, तो क्या दोस्तों मान लिया जाए कि कोर्ट जैसी संस्थाओं पर लगातार बीजेपी दोस्तों जमा रही है कब्जा। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि अब मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर दोस्तों एक तरीके से ये कह सकता हूं कि मेरे दिल में शंका उठती है, और अगर शंका उठती है दोस्तों मेरे दिल में या फिर हजारों करोड़ लोगों के दिलों में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं समझिए कि अब कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि शिंदे गुट ने जो 16 विधायक उड़ाए थे उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई। यह याचिका उद्धव ठाकरे ने की और उसके बाद इन 16 लोगों को निलंबित किया जा रहा था, यानी कि पार्टी से बर्खास्त करी जा रही थी इनकी सदस्यता। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर सदस्यता का रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश दिया और साफ दिख रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लटकाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लटका जाएगा और बहुत दिन तक लटका रहेगा, उसके बाद दोस्तों मामला ही निकल जाएगा, सब कुछ जो है यहां पर खा पी कर हजम हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट कुछ भी फैसला दे क्या फर्क पड़ता है। सही बात यही है। कर्नाटक में आपने देखा होगा दोस्तों किस तरीके का नाटक चला था, खूब नाटक किया गया जो है यहां पर कोर्ट में, खूब नाटक हुआ और अंत में कोर्ट ने क्या फैसला दिया, बीजेपी के हक में, और इस वक्त भी दोस्तों फैसला बीजेपी के हक में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती, इसकी के लिए एक स्पेशल बेंच की जरूरत पड़ सकती है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे फैसले देता है तो हंसी तो आती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी होता है कि वाकई में अब पहले जैसा कानून निष्पक्ष नहीं रहा। और ये टंके की चोट पर कह रहा हूं दोस्तों मैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले आते हैं दोस्तों वो सोचने लायक होते हैं और देखने लायक होते हैं। आप देखिए कि बीजेपी के सरकारी जो वकील है दोस्तों, सरकारी जो वकील है वो सीधे सीधे महंत मुनि को जो है यहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल इंसान बता देता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज चुपचाप सुनते रहते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए अचंभे था, और उससे भी बड़ा अचंभे ये है कि हमें तो पता ही था कि उन 16 विधायकों की सदस्यता ना सुप्रीम कोर्ट रद्द होने देगा ना बीजेपी रद्द होने देगी। सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, हाई कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन दोस्तों जो सरकार में बैठे हैं उन पर भरोसा नहीं है।
वो लोग जजों पर दबाव डालते हैं और इस बात को अगर कोई 100 बार कहने को कहेगा दोस्तों, तो इस देश की जनता 100 बार कहेगी कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर दबाव डाला जाता है और फैसले वो नहीं आते जिसकी जनता को उम्मीद होती है। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को कि जजों को इतना बुरा लगता है ये सुनना, तो फिर वो निष्पक्षता से काम करना शुरू कर दे। सरकार से बहुत हटकर होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। एनवी रमनन साहब ने अभी अमेरिका में एक बयान दिया कि हम सरकारी, ये जितनी भी सरकारें ये चाहती हैं हम इनके हिसाब से चलें, लेकिन दोस्तों वहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कानून संविधान से चलेगा। लेकिन क्या सच में दोस्तों कानून संविधान से चल रहा है? क्या सच में दोस्तों आज जो सुप्रीम कोर्ट फैसले सुना रहा है, खास कर जो लोग हजारों करोड़ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, और फैसला बीजेपी के पक्ष में ही क्यों जाता है, सबसे बड़ा सवाल है। आप जितने भी बड़े अभी तक के फैसले देखेंगे सब बीजेपी में, कमलनाथ के टाइम पर भी यश बोबड़े ने यही किया था, उन्होंने बकायदा बीजेपी को मौका दिया और कमलनाथ की सरकार गिरवा दी कि नहीं आज ही होगा जो है यहाँ पर फ्लोर टेस्ट। और ऐसे ही उद्धव के साथ हुआ और उद्धव के ने जो 16 विधायक की सदस्यता रद्द करने की बात की, जाहिर सी बात है ये होने वाला नहीं है। मैं आज आपको आज लिख के दे सकता हूं कि सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है शिवसेना और कुछ नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर गर्जी सोनिया गांधी जी। अब गोवा में दोस्तों अपनी पार्टी को संभालने के लिए एक्शन के मूड में आ गई है सोनिया गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब गोवा में बीजेपी पूरी तरीके सरकार गिरा देना चाहती है। और क्यों गिरा देना चाहती है दोस्तों, ये आप बखूब समझते हैं। आपको पता हो दोस्तों की दरअसल बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त जो काम कर रही है उसके ऊपर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि फिलहाल सरकार के जो पक्षपात कर रही है दोस्तों, उस पक्षपात के ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपको बता दें हर जगह सरकार गिराकर सरकार बनाई जा रही है और ये सब कुछ 2024 के लिए हो रहा है। मोदी सरकार को रातों में नींद नहीं आ रही है क्योंकि सरकार को पता है कि 2024 इस सरकार के अंत का समय है। और यकीन मानिए दोस्तों 2024 में मोदी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इनकी सत्ता बच जाए। पिछली बार दोस्तों कांग्रेस के पास अच्छा खासा जो यहाँ पर एक ये कह सकते हैं बल था। पिछली बार कांग्रेस ने दोस्तों कई जगह अपनी सरकार बना ली थी। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि मुझे कांग्रेस से ही उम्मीद रहती है इस देश की जनता को, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। ये कह देने से कि भैया नहीं, हम तो किसी भी पार्टी को आप वोट दे दो इससे काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, बीजेपी की टक्कर में सिर्फ कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 2024 का चुनाव जीतकर बीजेपी का दोस्तों रावण राज खत्म कर सकती है। और इस रावण राज को खत्म करने के लिए दोस्तों राम राज, या फिर दोस्तों ये कह सकते हैं कि फिलहाल एक भाईचारे का जो माहौल है वो आना बहुत जरूरी है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी भारी पड़ते हैं, इसीलिए कांग्रेस की हर जगह सरकार गिराई जा रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि मोदी सरकार दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से जहां इनकी सरकार नहीं है वहां बना ले। महाराष्ट्र में यही किया गया दोस्तों, सरकार गिर गई, इनकी सरकार जो है खुद की बना ली। इससे पहले आपने देखा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पोंडुचेरी, न जाने कितनी ऐसी जगह है जहां बीजेपी ने दोस्तों अपनी सरकार गिरा ली। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था। और ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल इस वक्त हमारे देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की अखंडता को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश में गरीब और आम इंसान का जीना अब मुहाल हो गया है। आपको बता दें दोस्तों, सरकार की बढ़ती महंगाई को लेकर अक्सर ही अखिलेश यादव मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अखिलेश का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो देश में आपातकाल घोषित कर दे। लेकिन आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि बीजेपी आज जो देश में भाईचारे खत्म कर रही है, जो देश में दोस्तों आप समझिए महंगाई को बढ़ा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इसलिए भी घिर चुकी है दोस्तों क्योंकि सरकार का जो असली रवैया है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम तो आपसे दोस्तों यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके के सच्चे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरीके की